खबर भोपाल से ही। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भोपाल लौट चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा के रूट का जायजा लेकर वापस लौटे हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, यात्रा की तैयारियां पूरी है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी रास्ते का जायजा लेने जाएंगे। 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच रही है और जो रूट है उसका मुआयना करके लौटे हैं जेपी अग्रवाल, प्रदेश प्रभारी हमारे साथ बात करेंगे। सर, कल आप लोगों ने रूट मैप तय किया, कहां कहां घूम कर आए, किस तरीके की व्यवस्थाएं? ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लोगों में बहुत जोश है और हर आदमी बेताबी से इंतजार कर रहा है उस यात्रा का। 20 तारीख को आएंगे बुरहानपुर और उसके बाद फिर आगे वो यात्रा चलेगी तकरीबन 10-12 दिन। इस दौरान कितनी उपयात्राएं शामिल होंगी? तकरीबन है 14-15 यात्राएं हैं जो अलग अलग हिस्से से होती हुई और वो मेन यात्रा में मिलेंगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उससे पहले एक वो खेद पत्र जारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब वो 2018 में आए थे तो उन्होंने किसान कर्ज माफी की बात कही थी लेकिन कर्ज माफ नहीं हो पाया। अब दोबारा मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश आने से पहले खेद पत्र जारी करें। बात यह, उनसे कहो अपने गिरवान में झांक कर देखें, जिस तरह से यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पे वो संजीदगी से काम कर रहे हों। कई मुद्दे तो उनके विधायकों ने उठाए, जिनमें से एक मिड डे मील का मुद्दा है। कितने घोटाले इनके अलग अलग जो काम दिए जाते हैं उसमें है, कौन सा वायदा इन्होंने अपना पूरा करा, उनसे कहो अपने गिरवान में देखें। पहले जब शायद कमलनाथ जी की सरकार थी, जब 5-7-10 हज़ार करोड़ के करीब का लोन था और आज 1 लाख से ऊपर का लोन है, 1 लाख करोड़ से ऊपर, कहाँ है सरकार, कहीं दिखती है सरकार? जो आप लोग बुकलेट्स बनाई गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, उसमें खासतौर से 4 पन्ने ऐसे हैं जिसमें बीजेपी सरकार के घोटाले दिखाए गए हैं। मुझे मालूम, मैंने देखे नहीं अभी कोई ऐसी चीज़। जो पत्र आप बांटेंगे ना जनता को, उसमें इस तरीके का लिखा हुआ है? मुझे देखा नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ, मोदी देखेंगे जब बताएंगे। ओके, बिल्कुल साफ तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, यही कारण है कि तमाम नेता लगातार क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भी अपनी टीम के साथ पूरे क्षेत्र में घूम कर आए हैं कि 20 तारीख से 24 तारीख तक कहां कहां रुकना है, क्या है। तो युद्ध स्तर पर कांग्रेस की तैयारियां जारी हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जब 20 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी तो कितने लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे। अश्विनी सिंह के साथ सूरत सर, मां बंसल न्यूज़ भोपाल।